आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस महंगाई और कुछ अन्य ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने में के मकसद से अगले महीने दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है। सोमवार को इसको लेकर कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रभारियों के साथ मंथन किया गया है। कांग्रेस का वॉर रूम कहे जाने वाले 15 गुरुद्वारा रोड में जो है बैठक होने वाली है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ महंगाई, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी सैलजा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और कई अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बीच बता दें कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और लगातार जो है रैली करने की तैयारियां की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा का मुद्दा इस बार सबसे अहम माना जा रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है और दिल्ली में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। इस बीच बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।